दोस्तों जंगल का एक ऐसा जीव जिसके सामने शेर भी जाने से डरता है, और दोस्तों ये अकेला ही होता है। शेर झुंड में रहता है, शेर के झुंड को प्राइड कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा जीव है जो अकेले ही रहना पसंद करता है और शेर से ज्यादा ताकतवर भी है। शेर से अच्छी हंटिंग स्किल भी इसे आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाघ की। आखिर दोस्तों अपने किन फीचर्स के कारण बाघ जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर बन गया, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। क्या हुआ इसको? उत्तरी उत्तरी, ये छोटा सा जो शेर है ना, ये 2 किलो चिकन खाता रहेगा ना। ये छोटे बच्चे है ना, तो इनके खेलने के लिए थोड़ी व्यवस्था रहती है। बोलो 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 बोलो, कुछ 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 कहिए, मेरा कुछ कुछ कर देगी बार में। तो दोस्तों हम बात करते हैं बाघ की। तो बाघ मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में भी कुछ ही देशों में बाघ पाए जाते हैं, वहीं सबसे ज्यादा दुनिया में बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु भी बनाया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाघ और शेर के बीच की लड़ाई की, यानी कि दोस्तों अगर बाघ और शेर के बीच की लड़ाई हो तो किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। वैसे दोस्तों कहने के लिए तो जंगल का राजा शेर होता है, वो अपने स्वैग की वजह से। लेकिन अगर हम ताकत की बात करें, हंटिंग स्किल की बात करें, समझदारी की बात करें, तो इनमें बाघ उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। बाघ की दोस्तों काटने की, यानी कि दोस्तों बाघ जब अपने शिकार पे अटैक करता है तो वो अपने जबड़े से 1000 से भी ज्यादा PSI की पावर लगाता है, वहीं शेर सिर्फ 600 PSI की पावर लगा पाता है। वहीं दोस्तों अगर हम पंजे की बात करें तो शेर से ज्यादा चौड़े और लंबे पंजे बाघ के होते हैं। वहीं अगर हम नुकीले दांतों की बात करें तो बाघ के नुकीले दांत शेर से डबल होते हैं, यानी कि शेर के जो नुकीले दांत की लंबाई होती है उससे कहीं ज्यादा लंबाई बाघ के दांतों की होती है। और दोस्तों ये तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि शेर से ज्यादा ऊंचे और शेर से ज्यादा लंबे बाघ होते हैं। अगर दोस्तों हम धरती पर सबसे ज्यादा लंबे और मोटे तगड़े बाघों की बात करें तो वो साइबेरियन टाइगर है, क्योंकि दोस्तों वो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं जिसके कारण उसके शरीर में फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें सबसे छोटे बाघों की प्रजाति की तो वो सुमात्रन टाइगर है। लेकिन दोस्तों सुमात्रन टाइगर सबसे छोटे इसलिए होती है क्योंकि उसके शरीर में फैट की मात्रा काफी कम होती है और उसके शरीर में मसल्स काफी ज्यादा होते हैं जिसके कारण ये काफी ताकतवर हो जाते हैं। दोस्तों जंगल में रॉयल अंदाज के लिए सिर्फ बाघ ही जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों रॉयल अंदाज इसका इसलिए है क्योंकि ये खुद अकेले दम पे शिकार करता है। शेर अपने शिकार को झुंड में करता है, लेकिन बाघ अपने शिकार को अकेले ही करता है। और दोस्तों बाघ की अपनी शारीरिक बेशुमार ताकत और अपनी हंटिंग स्किल के कारण ही ये जंगल का सबसे खतरनाक जानवर बन जाता है, यानी कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर बन जाता है, शेर से भी ज्यादा। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर शेर और बाघ में लड़ाई हो तो बाघ के जीतने की चांसेस 80% से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों वही कहा जाता है जंगल का राजा शेर है, और दोस्तों जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि उसमें एक लीडर की क्वालिटी दिखाई देती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कॉमेंट में जरूर बताना, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।